मेक इन इंडिया के तहत 26 जनवरी को मानेवाड़ा में एक ई जॉय ई बाइक शोरूम जीएम इंटरप्राइजेस का उद्घाटन किया गया। पेट्रोल के बढ़ते दामों के मद्देनजर यह बाइक चालकों के लिए सुविधाजनक साबित होगी। इस ई बाइक शोरूम का उद्घाटन मोहन मते के हाथों किया गया। यह ई जॉय बाइक जो कि बैटरी से चलने वाली दोपहिया गाड़ी है, जिसका शोरूम मानेवाड़ा में इलाहाबाद बैंक के पास है। इस बाइक के फैसिलिटी के बारे में शोरूम के मालिक अंकुश मेतकर ने जानकारी दी। ये ई जॉय इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम आज यहाँ पे ये हुआ है, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये अपने दक्षिण नागपुर का एक पूरे दक्षिण नागपुर का एक मेवा इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम है, जो अभी अपने एरिया में पहली बार यहाँ पे ओपन किया है अपन ने आज 26 जनवरी के शुभ मुहूर्त पे। ये बाइक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम है, इलेक्ट्रिक बाइक है, इसको डेली चार्ज करना पड़ता है। इसे 1.5 से 2 घंटा चार्ज करने पर ये बाइक 75 से 80 किलोमीटर से चलेगी आपकी। ये बाइक को चार्ज करने के लिए डेली आपको 14 से 20 रुपीज़ का खर्चा आएगा। आज के तारीख में पेट्रोल देखा जाए तो 90 रुपये किलोमीटर के हिसाब चल रहा है, और उसके लिए अपन ने ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया पैन इंडिया लेवल पे। ई जॉय वार्ड विजार्ड ग्रुप का ये ई जॉय ग्रुप है, इलेक्ट्रिक बाइक का मैन्युफैक्चरिंग है इसका गुजरात से। ये अपने आज अपन इसको इनोग्रेट किया है, और काफ़ी इसमें अपने पास 10 टाइप के इसके अपने पास मॉडल्स है। जीएम इंटरप्राइजेस शोरूम का उद्घाटन एमएलए मोहन मते के हाथों किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर सेवक राजू नागुलवार सहित अन्य कार्यकर्ता दीपक धनेश्वर, त्रिशूल खंगले, विशाल वानरे, चिराग वानरे, योगेश कुमरे, राहुल नेता मौजूद थे। बीसीएन न्यूज के लिए दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।